नमस्कार दोस्तों, मैं सीखा अपने चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ओरिगैमी के तहत आज मैं आप लोगों को लोटस कैसे बनाते हैं वह सिखाने वाली हूँ। तो चलिए, इसके लिए मेरे को दो स्क्वायर शेप की पेपर चाहिए, एक पिंक कलर की और दूसरी ग्रीन कलर की। पहले हम पिंक पेपर से ऊपर की फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए एक स्क्वायर शेप की पेपर लेंगे, अब इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए रेक्टेंगल की शेप देंगे। कोरते तक ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको रेक्टेंगल का शेप दिया है। अब उसको साइड से फोल्ड करते हुए इसको ट्रायंगल की शेप देंगे। अब आगे की तरफ ट्रायंगल शेप देते हुए फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड से भी इसको ट्रायंगल का शेप देकर फोल्ड करेंगे। सेम प्रोसेस दूसरे साइड में भी अपनाएंगे। ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए अब देखिए दोस्तों, यह इसकी शेप ऐसी स्क्वायर शेप की हो गई है। अब इसको फोल्ड करते हुए एक दूसरे के अंदर घुसाएंगे। दोस्तों ये फोल्ड को आप थोड़ा ध्यान से देखें कैसे इसको एक दूसरे के अंदर घुसाना है। दूसरे साइड में भी सेम प्रोसेस अपनानी है। ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड में इसको फोल्ड कर दिया है। अब पीछे में एक ये छेद सी बनेगी, उसको हमको दो साइड में पकड़ करके मुंह से फुलानी है। अब ये फूल गई है। अब इसके पेटल्स को मेरे को यहाँ पे भी दोस्तों ध्यान रखो, ये पेटल्स को ऐसे करके फोल्ड करनी है। इसके फोर पेटल्स बनेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पेटल्स बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर की फ्लावर लोटस बन गई है। अब इसके नीचे मेरे को एक डंठल बनानी है। उस डंठल को बनाने के लिए हम एक स्क्वायर शेप की ग्रीन कलर की पेपर लेंगे और इसको साइड से फोल्ड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम धीरे धीरे इसको पूरा फोल्ड कर देंगे और साइड में हम यहाँ पे एक सेलो टेप लगा देंगे जिससे कि इसकी डंठल खुले नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने एक सेलो टेप पहले से काट कर रखी थी, उसको चिपका दिया है। अब इसको फ्लावर के अंदर घुसाना है। पीछे की साइड में एक छेद बनी हुई होगी जिससे मैंने ये देखिए दोस्तों, यह लोटस फ्लावर बनकर तैयार है। इसमें आप चाहे तो ये साइड में आप पत्ते भी चिपका सकते हैं और इसको आप किसी फ्लावर वेज के अंदर इसको ऊपर से लगा सकते हैं। और यह स्कूल में जो प्रोजेक्ट होती है उसमें बच्चों को बहुत से आर्ट एंड क्राफ्ट में करने को दिए जाते हैं, तो आप यह बनाकर भी उनको दिखा सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। आशा है हमारी यह कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर आपको यह अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।